कि फ्रेंड आज हमने टॉप बनाया है, किस तरीके से बनाया है ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखिए किस तरीके से बनाया है, इसको बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको प्रिंटेड कपड़े में से टॉप बनाना बताएंगे। ये टॉप हम 6 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। आप इसी तरीके से बड़ा टॉप भी बना सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ रखी है हमने 20 इंच, और जो इसकी हमें चौड़ाई लेनी है, इसकी ब्रॉडनेस लेंगे। देखिए, यहाँ से तैयार हमारी 12 इंच है, 12 इंच, तो इसमें हम 2 इंच कपड़ा और ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इसे यहाँ से हम 14 इंच ले लेंगे। ये हम यहाँ से देखिए 2.5 इंच की एक पट्टी निकाल रहे हैं, इससे इसमें हम डिजाइन देंगे। ये हमारी किनारे की साइड है, इस तरीके से इस पूरे को हम निकाल लेंगे। अब देखिए, इसे इस तरीके से फुल लेयर में रख लेंगे। अच्छे से साइड करके इसे फुल लेयर में रखेंगे, और उसके बाद में हम अपना ऊपर से जो गला रखेंगे वो नापेंगे। गला इसका हम 2.25 इंच लेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। और नीचे से गले की जो गहराई रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे। इसे इस तरीके से मिला देंगे, और जो इसके आर्म होल रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे। देखिए, ऊपर से हमारा तीरा है वो भी इसका 5 इंच है, तो उसी हिसाब से हमें इसके आर्म होल रखने होते हैं। और इसमें कर्व दे लेंगे इस तरीके से। इसमें हमें फिटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये छोटी बच्ची का है। अगर आप बड़ा बनाते हैं तो उसमें हमें ये चेस्ट और ब्रेस्ट के हिसाब से हमें ये लेना होता है फिटिंग, लेकिन इसमें हम इसे इसी तरीके से कट कर लेंगे। अभी देखिए, गले को हम इसी तरीके से कट करेंगे। और इसे ऊपर से भी अलग हटा लेंगे। उसके बाद देखिए, हम एक पीस को लेंगे, और इस पीस में हम ये जो बिल्कुल हमारे आर्म होल का ये जो निशान आया हुआ है यहाँ पर एक सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में हमें इससे करीब 4 इंच नीचे एक और मार्क करना है। देखिए, यहाँ से 4 इंच नीचे एक और मार्क करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पीस होगा, और इसके हम दोनों पीस में इलास्टिक लगाएंगे। तो इसके लिए हम बिल्कुल इस तरीके से 20 सेंटर में 2 मार्क कर लेंगे। ये हमें करीब 6-6 इंच इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक तो हम खींच कर लगाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन इसे मार्क जो करेंगे वो 6 इंच का रखेंगे। ये दोनों पीस में रखेंगे हम इतना ही। इससे क्या है कि हमारे इस तरीके से गैदर्स डल के आएंगे, क्योंकि ये 6 साल के बच्चे के लिए हाइट ज़्यादा है इसकी लेंथ, तो इससे जब गैदर्स डल के आएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। दोनों पीस में इसी के बराबर के
ये वाले मार्क नहीं लगाने, सिर्फ जो हम लास्टिक लगाएंगे वो वाले मार्क करने हैं हमें, बैक वाले में भी कर लेंगे इसी तरीके से। और देखिए जो इसके हम आर्म होल और गले पर जो पाइपिंग लगाएंगे वो इस कपड़े से लगाएंगे, तो इसमें से और एक पट्टी कट करेंगे। ये करीब हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर रहे हैं और इनमें ये गले और आर्म होल के लिए हम पट्टी कट कर लेंगे। अब देखिए ये एक तरफ से हमारी किनारी आई हुई है और दूसरी तरफ से जो कटिंग है उल्टी साइड को फोल्ड करेंगे इसे हल्का सा। नीचे की तरफ हमारा कपड़ा सीधा है, इसे हल्का सा उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये हमने सीधे कपड़े की तरफ मार्क किया था, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर ये रखी है हमने पट्टी और इस तरीके से इस पर सिलाई लगा के इसमें गर्दश डाल लेंगे। छोटी छोटी प्लेटें भर लेंगे, आप अपने हिसाब से लगाएं जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये हम इस मार्क के ऊपर ही भरेंगे जो हमने इस पर मार्क किया है। जिस तरीके से हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसी तरीके से हमें नीचे वाली प्लेट भी डालनी है। तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट भरी है तो इसी तरीके से यहाँ पर ये इसकी भर के तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये हमने दोनों लगा लिए हैं, अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये प्लास्टिक लगाने हैं। प्लास्टिक को हम खींच कर लगाएंगे। देखिए जहाँ तक हमने मार्क किया है इसे वहीं तक लगाना है हमें। इसी तरीके से यहाँ पर और इसी तरीके से बैक वाले पीस में लगाएंगे इन्हें। अब इसे नीचे से देखिए फोल्ड कर लेंगे या फिर इसे पूरे को जॉइंट करने के बाद तब फोल्ड करेंगे, और या आप चाहें तो इसे पहले फोल्ड कर सकते हैं। बैक वाले पीस को भी हम तैयार करेंगे इसी तरीके से, इसमें भी हमें प्लास्टिक लगानी है। अभी देखिए इसको हमने 2 लेयर में रख लिया है, बच्ची छोटी है इसे मैं पहनने में अगर दिक्कत आए, छोटा गला कटता है, तो उस हिसाब से इसमें हम एक पीछे बटन के लिए बनाएंगे, तो इसे हम यहाँ से 5 इंच तक कट कर लेंगे। ये बैक वाले पीस में हम पट्टी लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने 2 इसकी पट्टी कट की है, तो सबसे पहले इसे हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए जिस तरीके से हम आई हुक वाली पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर नीचे लगाते हैं। देखिए इसी तरीके से हमने इसमें हुक या बटन आप जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब इस दोनों के हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए
इसको हमने उल्टी साइड से रखा है और जो हमने ऑरेंज में पट्टी कट की थी वो वाली पट्टी ली है हमने और इसे यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये इसी तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए पूरे गले पर पाइपिंग को रख लेंगे। तो पूरे को हमने सिलाई लगा लिया और उसके बाद में हमें ये बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करनी है। इस तरीके से देखिए इसे अच्छे से इसी तरीके से फिटिंग देते हुए लाएंगे। और जिस तरीके से हम ये गले पर लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से ये हम आर्म होल पर लगाएंगे। ये देखिए इसको हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और इसकी फिटिंग कर ली है। अब ये इस तरीके से ये टॉप बन के आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।